कहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है, बहुत दिमाग खराब हो रहा है, कहाँ करें अब? चलो। अरे देवा जी, अरे कहाँ हो गया, आपको लगा होगा तो नहीं? नहीं भाभी, बच गया, चोट नहीं लगी। अरे कहीं फर्श पर तेल तो नहीं गिरा था जिसकी वजह से आप फिसल कर गिर गए? तेल? कैसा तेल? आप ठीक है ना? पता नहीं मुझे तुम, लेकिन बस बच गया। असिस्टेंट, हम तुम्हें का कह रहे थे वो, हाँ हम सोच रहे हैं ना कि वो पराग भैया को जो है ना कह दे कि आके बाबूजी को है वो ले जाए। कहा है कि उनको देखभाल करना ना बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल, तुम समझ रही हो, 24 घंटे उनके साथ रहना पड़ता है और हम दोनों जो है प्रेग्नेंट है ना। कैसी बातें कर रही हो रागिनी? चाचा जी के यहाँ होने से घर में किसी को भी परेशानी नहीं है, तुम पागल हो क्या? हमें भी बात कहते हुए ना अच्छा नहीं लग रहा है सृष्टि, लेकिन उनके साथ रहना मतलब पूरा 24 घंटा जो है उनके साथ रहना, और हम आजकल जो है ना बहुत जल्दी थक जा रहे हैं। हाँ, और पता नहीं कहा है एक बात है जो हमसे ना कहना चाह रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या बात है। रागिनी, कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो, विशु जी देखिए ना। हाँ भाभी, आप कैसी अजीब सी बातें कर रही हैं। हाँ, हम लोग क्यों परेशान होंगे बाबूजी को लेकर? देखिए, हम ये बात घर में और किसी को नहीं कह सकते, इसलिए अपने मन का बात जो है ना सृष्टि और आपको बता रहे हैं। भाभी, आप तो जानती हैं कि बाबूजी की तबीयत कितनी खराब है, अब मुझे लगता है उन्हें हमदर्दी की जरूरत है और आपको आराम की। अगर आप चाहें तो मैं उनके साथ ज्यादा टाइम बिता सकता हूँ, उनकी देखभाल कर सकता हूँ। अरे नहीं 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 देवर जी, बताए ना आपको उनके साथ रहना मतलब पूरा 24 घंटा का ड्यूटी है। आप खाम खा परेशान मत हो, या मत हो ये परेशान हम। इसमें परेशानी की क्या बात है भाभी, मैं उनके साथ रहूंगा और समझूंगा कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आप लोग आराम कीजिए, तब तक मैं ये टुकड़े उठा लेता हूँ। तो हम भी बाबूजी के बारे में कुछ बकवास कर दिया, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, इधर कुछ नहीं होता, तुमने सच जानने के लिए ये सारा नाटक किया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात बताओ कि कुछ समझ में आया तुम्हें? तुम देखी नहीं, जैसे हम बाबूजी को कुछ उल्टा सीधा कह रहे थे वैसे जो है ये बहुत ज्यादा सज्ञ बनने का कोशिश कर रहे थे। नोटिस की तुम? हम ही नोटिस की? नहीं, नोटिस तो हमने भी किया, लेकिन इस बात का कोई मतलब निकल कर नहीं आ रहा है। मतलब निकल के नहीं आएगा, हमें इस बात तक पहुंचना है सृष्टि। तेजू, हमें तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। दस बात सुनेंगे, पहले आप हमारा बात सुनिए। उससे पहले हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं, आइए देखिए। ये तुम्हारे लिए, मैं और बैजू किसी को बिना बताए बाहर गए थे। अच्छा, भाई जो सीडी है ना, ये सीडी गर्भवती महिला लोग ना ऐसे इसको सुनती है, इसको सुनने से ना महिला को और बच्चे को सुकून मिलता है। हमें इनको सब बता देना। ये आप जो छोटे छोटे बात पे ना इतना बड़ा बड़ा टेंशन ले लेती है ना, तो हम भी टेंशन ही आ जाते हैं, इसीलिए आपके लिए लाए। चलो ठीक है, फिर आप सीडी लगा दीजिए, सुनते हैं। हाँ लगा देते हैं, आओ लैपटॉप दीजिए ना, अभी लगा देते हैं। ये सीडी नंबर एक है, वो सीडी नंबर दो तीन चार पांच सीडी है। अभी बैजू से कुछ कहना ठीक नहीं होगा, बाद में इस बारे में बात करेंगे। ऐसा मुख्य बना है क्या, वो तुम्हें पसंद नहीं है? मिस्टर जी, वो हमें ना आपसे देवर जी। अरे तुम्हारे देवर जी ने ही इसे चूज किया है,
और डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन अगर इनको पहनेगी तो उसको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। और ये शॉल, ये भी तुम्हारे देवर जी ने पसंद की है। क्या हुआ, तुम विशु के बारे में कुछ कह रहे थे, बोलो ना। कुछ जरूरी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, ये शॉल भी अच्छी है ना जी। बाबूजी पे रख के देखते हैं उनपे कैसी लग रही है। बाबूजी ये देखिए आपके लिए बढ़िया सी शॉल, ये लीजिए बाबूजी, देखिए आप पे कैसी लग रही है, बहुत बढ़िया। मिस्टर जी इतने खुश हैं कि ऐसे में हम देवर जी का कांड भी उन्हें नहीं बता सकते, विश्वास भी नहीं करेंगे। अब मेरे पास आराम करने का कोई वक्त नहीं है। उस बुड्ढे के हाथ पांव चलने लगे और ज्यादा वक्त नहीं रह गया कि उसकी जुबान भी चलने लगेगी और मेरी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। ये सृष्टि और रागनी, इन दोनों के मन में तो मेरे ऊपर शक का कीड़ा कुलबुला रहा है, और अगर वो सच्चाई तक पहुंच गए तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा, कुछ तो करना होगा। तो पता कौन है, पता कौन है, दिखा तेरा चेहरा, आज तेरा कहानी खत्म करेंगे। ओ शिट, संभल के ससुरा, आज तेरे को परमात्मा के दर्शन दिखाते। ध्यान से रखनी, निकालो इसका गमछा, दिखा तेरा चेहरा, दिखा कौन है तू। रागिनी रुक, तुझे क्या लगा तू हमसे बच जाएगा? हाँ रागिनी इसका गमछा निकालो। ससुरा कौन है तू, दे ठीक है ना शशि, तुम भाभी को संभालो, ठीक हो ना।
दर्द हो रहा होगा ना देवर जी, ससुरा मरहम जो है ना बहुत जलता है। आप एक काम कीजिए, आप हमारा हाथ टाइट ऐसे पकड़ लीजिए, इससे आपका दर्द जो है। नहीं भाभी, कुछ भी नहीं हुआ है, आप परेशान मत होइए, जरा सी तो चोट है। जरा सी चोट? हाँ जरा सी तो है। अगर भाभी या उनके बच्चे को कुछ हो जाता तो ये चोट तो उसके आगे कुछ भी नहीं है ना। देवर जी आज ये सारी बर्ड भी जो है ना हमें बहुत छोटा लग रहा है उसके आगे जो आज आप किए हैं हमारे लिए। आप सिर्फ हमारा छोटे ठाकुर ही नहीं, आपने हमारे बाबूजी का भी जान बचाया उसके लिए। थैंक यू भाभी, थैंक यू बोल के मुझे छोटा फील मत कराइए। आपको याद है एक दिन आप मुझसे पूछ रही थी कि जब मुझे कुछ भी याद नहीं है तो फिर बाबूजी से मुझे इतना लगाव क्यों है? ये सवाल मैं खुद से भी पूछ रहा था और तब समझ में आया कि मेरी भाभी से जुड़ा हुआ हर रिश्ता मुझसे भी जुड़ा हुआ है। अब ये तो बाबूजी की बात थी, उनके लिए तो रिस्पेक्ट अपने आप पैदा हो गई। बस मैंने जो किया इसी रिश्ते की वजह से किया। विष्णु जी, आपका बहुत बड़ा दिल है। अब बस 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 आप दोनों बस कीजिए, अब इतना इमोशनल होके रो देंगी फिर बाद में भैया और बैजू मिलकर मुझे मारेंगे। ऐसे कैसे मार देंगे? हाँ अब आप दोनों जाइए, आराम कर लीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, टेंशन मत लीजिए। आप अपना ध्यान रखिए। सही, अब आप दोनों आराम कीजिए। हाँ आप यहाँ पर बैठे हैं, भैया और बैजू वहाँ इंतजार कर रहे हैं, तो ठीक है। गुड नाइट, ध्यान रखना अपना देवर जी। हाँ। प्लीज, और पेन किलर्स की जरूरत है तो ड्रॉर में पड़ी हुई है वो। तिवारी, ये दिन तुझ पर पड़ गया भारी। का संदेह दे रहे थे हम भी देवर जी के लिए, वो तो ऐसा कुछ कभी कर ही नहीं सकते हैं सिस्टी। तुम सही कह रही हो रागिनी, जिसने चाचा जी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी उस पर संदेह करना कहीं से भी सही नहीं होगा। लेकिन अगर विशु जी नहीं तो फिर विशु जी पे शक नहीं करे तो फिर किस पे करे? कौन? हमारा तो ये सोच के सर फटा जा रहा है। हमारे सर पे ना अभी तबले का कार्यक्रम चल रहा है फिलहाल। एक काम करते हैं सिस्टी, सबसे पहले जाके जो है गरम गरम दूध में गुड़ डाल के पीते हैं। पता है हमारी अम्मा जी कहती है कि ये जो है ना एकदम रामबाण इलाज है सर दर्द का। चलो पैसे लेके आए? ये रहे तुम्हारे पैसे, पूरे 10 लाख है। बहुत लालची हो तुम। हम तो लालची ही सही, तुम्हारे जैसे ना कमीने तो ना है। अरे तुमने तो अपने ही परिवार पे हमला करवाया है, वैसे ये सब काय कर रहे हो? जायदाद का मामला है का? खैर हमें का फर्क पड़ता है, हमें तो तुम ना और एक 5 लाख रुपए दे दो अपना मुंह बंद रखने के लिए। वो कहाँ है ना, रागिनी जी की नजरों में हम आ गए और वो कोई ना कोई आइडिया करके हमें पकड़ने की कोशिश करे, उसके पहले हम आज रातों रात अपनी बच्ची और पत्नी को लेके यहाँ से गायब हो जाएंगे। और पैसे नहीं है मेरे पास, कहाँ से लाऊं मैं और पैसे? अब देखो ये सब हम नहीं जानते, हमने ना तुम्हारा जो सारी बातें है ना इसमें रिकॉर्ड कर ली है। क्या? अब तुम सोच लो तुमको क्या करना है। यार मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ रहा हूँ, तुम प्लीज मेरा राज किसी को मत बताना, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, तुम मेरा पर्दाफाश मत करना। मैं कुछ करता हूँ, मैं
5 लाख रुपए का इंतजाम करता हूँ, तुम रुको, मैं भी आता हूँ, ठीक है? ज्यादा मत सोचो, गरम है दूध, ध्यान से पकड़ो। सृष्टि हमो दूध पियो, दिमाग ही नहीं चल रहा है हमारा। ओह गॉड, काम करते करते आंख लग गई, पता ही नहीं लगा। रागिनी कहाँ है? लगता है बाबूजी के रूम में होगी। कोई बात बार बार घूम रहा है दिमाग में, सोचना बंद करो। ये लो, तुम दोनों यहाँ बैठी हो, वहां मैं काम करता करता गलती से सो गया, मुझे पता ही नहीं लगा, और उठ के देखा तो लाइट्स ऑफ थी। और उसके नहीं वो क्या बात है रागिनी, सब ठीक तो है? नहीं मिस्टर जी, कुछ हो बात नहीं है। इतनी रात को कौन आया है? तुम दोनों बैठो, मैं देख के आता हूं। अरे तिवारी जी आप होश में? तिवारी जी कौन किया ये? अरे विश्व जी, अरे देखिए ना, ये आदमी का खून बहुत बह रहा है, मर जाएगा। आप एक काम कीजिए ना, फटाफट फोन करिए ना हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस मंगवाइए ना। मैं करता हूँ, अभी करता हूँ। रागिनी जी, अब हम बचेंगे नहीं। आप हमारे मरने के बाद ना हमारे परिवार को तकलीफ मत देना। नहीं 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 तिवारी जी, आपके आपकी फैमिली को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं सताएंगे, लेकिन ये कौन किया आपके साथ? हाँ देखिए रागिनी जी, हम आपके बाबूजी को मारने नहीं आए थे, ये सब प्लानिंग। प्लानिंग? किसका प्लानिंग था? किसने किया ये बताओ। हाँ तिवारी जी,